आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सवाल के अंदर देख पा रहे हैं, हमारे जो पास जो प्रश्न है उसमें ये कह रहा है कि आरए 26226 है ना, इस दर से विघटित होता है कि केवल आधा भाग उसकी मूल मात्रा का 200 मतलब कि 3160 वर्ष बाद शेष बचता है। आरए 226 का अर्धायु काल होगा ना। तो हमें ये सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं। सवाल ये कह रहा है कि किसी कोई परमाणु है आरए यानी कि रेडियम है ना, रेडियम 226 ये 3160 वर्ष बाद आधा ही बचता है, यानी कि अपन ने एक्स लिया तो एक्स बाय टू हो गया, यानी कि अब इसको समझते हैं ना। तो सवाल के कहने का मतलब है कि मान लीजिए आरए 226 शुरुआत में एक्स था, फिर 3-6 वर्ष बाद इसका 6x/2 भाग शेष बचा। तो यहां से अपन एक चीज समझ सकते हैं, देखिए ना, यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 3160 वर्ष बाद जो आरए था, रेडियम था, उसका एक्स बाई टू भाग बचा, यानी कि एक्स बाई टू खत्म हो गया। तो एक्स बाई टू जो था वह खत्म हो गया वह। तो अर्धायु पूछिए, तो अर्धायु 361 वर्ष ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आधा खत्म मतलब कि आधा भाग बचा तो इसका मतलब आधा खत्म हो गया, और अर्धायु का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल मात्रा थी यानी कि शुरुआत में हमारे पास मात्रा थी उसकी आधी मात्रा कितने वर्षों बाद हमें प्राप्त होती है ना, उसकी आधी मात्रा हमें कितने वर्ष बाद मिलती है, यही क्या बोलते हैं अर्धायु होती है। इसलिए जो 361 वर्ष मतलब 3160 वर्ष होगा वही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। अतः जो हमारा ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।